ट्विस्टर एक्सोसिस्ट के एपिसोड नंबर 13 की शुरुआत में हम लोग आरिमा को देखते हैं जो कि एक एरोप्लेन में बैठा होता है और वो नारुकामी की तरफ आ रहा है। तभी जिसाम आरिमा को एक जरूरी काम से कॉल करते हैं और बताते हैं कि नारुकामी में एक काफी पावरफुल किगारी देखा गया है। वहीं पर आरिमा को ये बात पहले से पता होती है। आरिमा कहता है वो किगारी नहीं है बल्कि वो एक बासरा है। जिसके सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को मागनो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोगरो बेनियो को बचाने आया है। वहीं पर अब कामुई रोगरो से कहते हैं तुम कौन हो, मैं यहाँ पे मजे कर रहा हूँ, तुम बीच में दखल अंदाजी क्यों कर रहे हो। जिस पर रोगरो से कहते हैं तुम्हें ये करने में मजा आ रहा है। तभी बेनियो खड़ी हो जाती है और रोगरो को यहाँ से जाने के लिए कहती है और कहती है कि कामुई से मत लड़ना। जिस पर रोगरो से पूछता है क्यों, तो बेनियो से बताती है कि ये कोई नॉर्मल किगारी नहीं है बल्कि कामुई एक बासरा है। ये बात सुनकर अब रोगरो भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है। जिसके वापस हम लोग को आरिमा को दिखाया जाता है, वो बासरा के बारे में बता रहा होता है। वो बताता है कि बासरा इंसान जैसे दिखते हैं लेकिन वो इंसान नहीं होते हैं, वो किगारी के इवॉल्व वर्जन होते हैं और किगारी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जब भी कोई किगारी काफी सारे स्पेल पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो एक सुपीरियर क्लास किगारी में इवॉल्व हो जाता है, उसे बासरा कहा जाता है। हाल ही में एक्सोसिस्ट यूनियन ने कंफर्म किया है कि कुछ बासरा एग्जिस्ट करते हैं, उन्हीं में से एक बासरा नारुकामी में है। उनकी पावर कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उनसे सिर्फ 12 गार्डियन जितने स्ट्रॉन्ग लोग ही लड़ सकते हैं। ये सुनकर जिसामा कहते हैं कि अगर किसी नॉर्मल एक्सोसिस्ट को बासरा दिख जाए तो उसे क्या करना चाहिए। जिस पर आरिमा कहते हैं कि अगर उस एक्सोसिस्ट को अपनी जान बचानी है तो उसे वहां से भाग जाना चाहिए और उस बासरा से लड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद वापस से सीन शिफ्ट होता है और मागनो का सीन दिखाया जाता है जहां पर कामुई रोकरो से कहते हैं कि तुम्हारा हाथ तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तो बस ये जानना है कि तुम स्ट्रांग हो या फिर कमजोर हो। ऐसा बोलने के बाद वो रोगरो की तरफ आ रहा होता है। तभी अचानक से जमीन में से एक किगारी बाहर आ जाता है और अब वो कामुई के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन कामुई भी उस किगारी के अटैक को डोज करके छलांग मार देता है। इस वजह से कामुई का ध्यान भटक जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर रोगरो और बेनियो मागनो से बाहर निकल जाते हैं। इस बात से कामुई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब उस किगारी से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की, तुम्हें तो मारने में भी मुझे मजा नहीं आएगा। जिसके बाद हम लोग को रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग बाहर आ जाते हैं। वहीं पर बेनियो को काफी ज्यादा चोट लगी होती है, तो अब रोगरो एक टैलिस्मैन का यूज करके बेनियो की चोट को ठीक कर देता है। चोट अब ठीक होने के बाद बेनियो वापस से खड़ी हो जाती है और अब वो रोगरो से कहती है मैं वापस से मागनो में जा रही हूँ। बेनियो वहाँ से जा रही होती है लेकिन थकान की वजह से वो नीचे गिर जाती है। वो अब कहने लगते है कि मुझे कामुई को हराना ही होगा। ये सुनकर रोगरो बेनियो से कहते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है, आखिरकार वो बासरा कौन है। जिस पर बेनियो रोगरो को बताती है कि उस बासरा ने मेरे मॉम और डैड को मारा है, अब से 6 साल पहले मेरे पेरेंट्स उससे लड़ाई करे थे और मारे गए। ये सुनकर रोगरो काफी ज्यादा शौक हो जाता है। जिसके बाद अब बेनियो कहती है कि मुझे 6 साल लग गए इस बासरा को ढूंढने में, मुझे कैसे भी करके इस बासरा को खत्म करना होगा। अगर मैं उसे हरा नहीं पाई या फिर उसके डर के मारे में भाग गई तो इससे तो अच्छा यही रहेगा कि मैं उसे लड़ते समय मार ही जाऊं। तभी रोगरो से कहते हैं कि तुम ये क्या बातें कर रही हो, अगर तुम मर जाओगी तो इसका कोई फायदा ही नहीं होगा, तुम अपने आप को गौर से देखो, डर के मारे तुम इतनी देर से कांप रही हो। बेनियो भी अब अपने आप को देखती है और उसे पता लगता है कि हाँ वो कांप रही है। रोगरो बेनियो से कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो, तुम इस तरीके से उसे नहीं हरा पाओगी। ये सुनकर बेनियो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि बेवकूफ मैं नहीं तुम हो। तो रोगरो से कहते नहीं बेवकूफ तुम हो, क्या तुम्हें अभी तक रियलाइज नहीं हुआ कि तुम कोई भी सेंस वाली बात नहीं कर रही हो, तुम कह रही हो कि तुम उसे लड़ना चाहती हो लेकिन इस समय तुम काफी डरी हुई हो, एक बार शांत हो जाओ उसके बाद दोबारा सोचो। ये सुनकर बेनियो अपनी पास्ट की मेमोरी को याद करती है जहाँ पर वो हर रोज ट्रेनिंग किया करती थी अपने पेरेंट्स का बदला लेने के लिए, लेकिन अब वो याद करती है कि उसकी ट्रेनिंग का तो कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि वो कामुई के सामने तो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। इन सब बातों के बारे में याद करके बेनियो रोने लगती है और कहती मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, मैं इतने समय से उसे इसलिए ढूंढ रही थी ताकि मैं उसे हरा सकूं लेकिन जब मैं उसे मिली तो मैं उसे टच भी नहीं कर पाई, और जब मैं ये सोचती हूँ कि बिना उसे कुछ किए मैं मारी जाऊंगी तो मुझे काफी डर लगता है, मुझे रियलाइज हो गया कि मैं उसके सामने नहीं जीत पाऊंगी, लेकिन डर की वजह से अगर मैं दूर भाग गई तो मैं अपने पेरेंट्स को कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगी, और अगर ऐसा हुआ तो मेरे जिंदा रहने का मकसद ही क्या रहा, इससे अच्छा तो मुझे मर ही जाना चाहिए था। ये सब बातें सुनकर रोगरो काफी ज्यादा शौक होता है, वो सोचने लगता है कि आखिरकार बेनियो है क्या। रोगरो अब कहता है कि बेनियो तो बिल्कुल मेरी तरह है। जिसके बाद अब रोगरो बेनियो को वही खाना दिखाता है और कहता है कि इस खाने को मैंने बनाया है, ये रोगरो सुपर डिलक्स खाना है, इसे जल्दी से खाओ और चेयर अप करो, जब तक तुम रिकवर करोगी मैं कामुई को रोके रखूंगा, हम दोनों एक्सोसिस्ट हैं, हम दोनों मिलकर उस बासरा को एक्सरसाइज कर देंगे, तुम उसे हराना चाहती हो ना, लेकिन तुम्हें रियलाइज तो हो गया होगा कि तुम उसे अकेले नहीं हरा सकती हो, इसलिए हम दोनों मिलकर उसे हराएंगे। ये सुनकर बेनियो कहती है लेकिन ये तो मेरी लड़ाई है, तुम्हारे पास लड़ने के लिए क्या रीजन है। जिस पर रोगरो कहता है मेरे पास एक रीजन है, मैं एक एक्सोसिस्ट हूँ, तुमसे मिलने से पहले मैं भी बुरी मेमोरी से डर कर भागा करता था, मैं लड़ने से डरता था और मैं वापस से उस पेन को सहन नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो गया कि मेरी ये कर्स पावर भी लोगों की जान बचा सकती है, और तुम वो थी जिसने मुझे ये रियलाइज कराने में मदद करी, तुमने मेरी हेल्प करी बेनियो, तो ये कहना बंद करो कि तुम्हें मरना है, और मैं 100% श्योर हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स भी यही चाहते थे कि तुम जिंदा रहो। ऐसा बोलने के बाद रोगरो मागनो गेट ओपन करके अंदर चला जाता है, जिसके बाद अब बेनियो भी पीछे जाकर बैठ जाती है और अब वो टिफिन को खोल कर देखती है और अब वो देखती है कि जो वो खाना है वो थोड़ा सा अजीब लग रहा है।
जिसके वापस हम लोग को मागनो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कामुई ने उस किगारी को हरा दिया है और अब उसके अंदर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कहता है कि इससे तो मेरा पेट बिल्कुल भी नहीं भरा। ये सुनकर रोकरो वहाँ पर आ जाता है और उसे कहते हैं कि अगर तुम्हारा पेट इससे भी नहीं भरा तो आओ आकर मुझसे लड़ो। ऐसा बोलने के बाद रोकरो अब उसके ऊपर काफी सारे पंचेस मारने लगता है, लेकिन अब वहीं पर कामुई रोकरो के हर अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है, वो भी काफी इजीली से। जिसके बाद हम लोग को बेनू को दिखाया जाता है जो कि रोकरो के बनाए हुए खाने को खा रही होती है। वो अब याद करने लगती है कि किस तरीके से रोकरो हमेशा उसे चेयरअप करता रहता है, किस तरीके से रोकरो ने उसका शुक्रिया किया था। वहीं पर अब किनो को बेन्यू से कहते हैं कि क्या ये खाना अच्छा है, तो बेन्यू भी किनो को वो खाना खिला देती है। वो खाना खाकर किनो को कहते हैं कि ये खाना तो काफी बेकार है, आखिरकार बेन्यू आप इसे कैसे खा रही हो। वहीं पर बेन्यू को भी खाना अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन फिर भी वो खाने को खा रही होती है। वो रोकरो को याद करते हुए कह रही होती है कि ये काफी अजीब है, लेकिन फिर भी मुझे काफी ज्यादा ब्रेव फील हो रहा है। जिसके वापस हम लोग रोकरो को देखते हैं जो कि कामुई के ऊपर काफी जोर जोर से पंचेस मार रहा होता है। इतने पंचेस लगने के बाद भी कामुई को सिर्फ हल्की सी चोट आती है। वहीं पर अब रोकरो काफी थक जाता है, वो कहने लगता है कि मैं पूरे दम लगाकर हमला कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये बासरा एक्सरसाइज नहीं हो रहा है। तभी कामुई अब रोकरो से कहते हैं कि तुम्हारे अंदर तो काफी पोटेंशियल है, मुझे सिर्फ स्ट्रॉन्ग एक्सोसिस्ट पसंद है क्योंकि उन्हें मारने पर मुझे उनसे काफी स्पेल पावर मिलती है। चलो मैं तुम्हें डिसाइड करने का मौका देता हूँ, अगर तुम चाहते हो तो मैं इस लड़ाई को जारी रख सकता हूँ, नहीं तो अगर तुम्हें जाना है यहाँ से तो तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुम्हारे पास अब 10 सेकंड है डिसाइड करने के लिए। तो रोकरो से कहते हैं कि जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो तुम मेरे ऊपर हमला कर दोगे, मुझे पता है। जिस पर कामुई कहते हैं नहीं, मैं अपने शब्दों का पक्का हूँ, मैं तुम्हें जाने दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इंसानों को बख्शना मेरी एक हॉबी है। जब इंसानों को पता लगता है कि वो मरने वाले हैं, उनका रिएक्शन देखकर मुझे काफी मजा आता है। जब मैं काउंटिंग कर रहा होता हूँ तो कुछ लोग मेरे ऊपर हमला कर देते हैं, वहीं पर कुछ लोग रोने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी जान बचाने के लिए अपने साथियों की जान को कुर्बान कर देते हैं। ज्यादातर मैंने देखा है कि कभी भी कोई अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं करता है अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए। जिसके कामुई कहते हैं हाँ मुझे उस बेन्यू लड़की के बारे में याद आ रहा है, मैं उसे 6 साल पहले मिला था, मैंने उसे चॉइस दी थी कि क्या मैं उसके मॉम को जाने दूं या फिर उसके डैड को जाने दूं, लेकिन बेन्यू घबरा गई और वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाई, इसलिए मैंने उसके पेरेंट्स को 2 चॉइस दी। मैंने बेन्यू के पेरेंट्स से पूछा था कि क्या मैं उनकी जान बख्श दूं या फिर उनकी बच्ची की जान बख्श दूं। मैंने उन्हें 10 सेकंड दिए थे डिसाइड करने के लिए, लेकिन उन लोगों ने बिना टाइम वेस्ट किए मुझसे कहा कि मैं उनकी बच्ची की जान बख्श दूं। वो दोनों पेरेंट्स काफी रेयर एक्सेप्शन थे। ये सुनकर रोकरो काफी गुस्से में आ जाता है और कामुई से कहते हैं कि आखिरकार तुमने उसके बाद क्या किया उनके साथ। जिस पर कामुई कहते हैं कि मैंने बेन्यू के पेरेंट्स को मार दिया, यही तो डील हुई थी। ये सुनकर रोकरो गुस्सा हो जाता है और उसे कहते हैं कि उस समय पर बेन्यू सिर्फ 8 साल की थी, आखिरकार तुम एक छोटी बच्ची के सामने उसके पेरेंट्स को कैसे मार सकते हो, तुम कितने ज्यादा करप्टेड हो। जिस पर कामुई कहता है मैं करप्टेड तो होऊंगा ही क्योंकि मैं केगारी जो हूँ। ये सुनकर रोकरो काफी गुस्से में आ जाता है और अब वो कामुई को लगातार काफी जोर जोर से पंचेस मारने लगता है। रोकरो अब उसे पंच मार के कहते हैं कि मैं इसी समय तुम्हें एक्सरसाइज कर दूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो कामुई को पंच मार के काफी दूर गिरा देता है। रोकरो अब काफी थक जाता है, वो कामुई से कहते हैं क्यों क्या हुआ अब हार गए ना। लेकिन तब भी हम लोग देखते हैं कि कामुई को अभी कुछ नहीं होता है, वो वापस से खड़ा हो जाता है। वह बसकर रोकरो से कहते हैं कि मैं काफी समय से इतना एक्साइटेड नहीं हुआ था लड़ने के लिए। जिसके बाद वो एक टैलिस्मैन को बाहर निकालकर रोकरो से कहते हैं कि मैं तुमसे लड़ने के लिए भी इसका यूज करूंगा। जिसके बाद अब कामुई उस टैलिस्मैन की पावर को यूज करके अपने पैरों के ऊपर एन्चेंटमेंट कर लेता है। ये देखकर रोकरो काफी शौक हो जाता है और कहते हैं कि एक किगारी होकर एन्चेंटमेंट का यूज कैसे कर सकता है। इतने में कामुई अब रोकरो के ऊपर काफी जोर से आकर लात मारता है, जिसे रोकरो अपने हाथ से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी रोकरो अब काफी दूर जाकर उड़ जाता है और अब वो काफी जोर से जाकर दीवार के जाकर टकरा जाता है। कामुई अब रोकरो को बताता है कि मेरे अटैक को ब्लॉक करने से कुछ भी नहीं होगा, मेरा अटैक का इम्पैक्ट तुम्हारी पूरी बॉडी के अंदर जाएगा, तुम तो काफी स्ट्रॉन्ग हो, अटैक लगने के बाद भी नहीं मरे, ठीक है फिर मैं तुम्हें खुद ही मार देता हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब कामुई रोकरो के ऊपर पैर मारने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से हम लोग देखते हैं वहाँ पर बेन्यू आ जाती है जो कि कामुई के ऊपर अटैक करके उसे रोक देती है। वहीं पर अब कामुई बेन्यू से कहते हैं कि तुम वापस क्यों आ गई, तुमसे लड़ना काफी ज्यादा बोरिंग है, वापस चली जाओ। ये बात अब सुनते ही बेन्यू अब उसके ऊपर लगातार हमले करने लगती है। ये देखकर कामुई थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है कि बेन्यू थोड़ी डिफरेंट लग रही है। जिसके बाद बेन्यू को दिखाया जाता है जो कि अपने पेरेंट्स और रोकरो का शुक्रिया कर रही होती है उसे ये हिम्मत देने के लिए। बेन्यू अब अपनी पूरी ताकत लगाकर कामुई के ऊपर अपने स्पेशल अटैक से हमला करती है जो कि होती है डांस ऑफ टाइगर लिली। इसी तरीके से वो कामुई के ऊपर हमला करती है, लेकिन कामुई भी कम नहीं होता है, वो उसके ऊपर अपनी लाश से हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। वहीं पर अब बेन्यू भी नीचे आकर खड़ी हो जाती है तो कामुई अब उसे कहता है क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम अपनी इस हिम्मत से हमारे बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं कर सकती हो, तुम भले मेरे ऊपर 100 बार हमला कर दो मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ये सुनकर बेन्यू कहती है कि भले तुम्हें हराने के लिए मुझे 1000 बार हमले करने पड़े मैं फिर भी तुम्हारे ऊपर हमला करके तुम्हें हराऊंगी। ऐसा बोलकर अब वो कामुई के ऊपर हमला करने चली जाती है, लेकिन अब कामुई भी अपने पैरों से एक प्रेशर बनाता है जिसकी वजह से बेन्यू अब नीचे गिर जाती है। बेन्यू नीचे गिरते गिरते सोच रही होती है कि मैं काफी ज्यादा क्लोज थी, क्या अब मैं हारने वाली हूँ, लेकिन अब बेन्यू जैसे नीचे गिरती है वो देखती है कि रोकरो अब उसे आकर पकड़ लेता है। रोकरो बेन्यू की तलवार को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ देखने नहीं आया हूँ। जैसे अब रोकरो बेन्यू की तलवार को पकड़ता है, बेन्यू फील करती है कि उसकी तलवार अब थोड़ी हल्की हो गई है। रोकरो बेन्यू से कहता है चलो हम दोनों मिलकर अपनी डिटरमिनेशन से कामुई को यहीं पर खत्म कर देते हैं।
जिस पर बैनी भी मान जाती है। और अब हम लोग देखते हैं कि वो दोनों आपस में अब ग्लो करने लगते हैं। वहीं पर अब उनकी पावर भी बढ़ जाती है। वहीं पर अब जो बैनी की जो तलवार होती है वो भी अब अपग्रेड हो जाती है। ये देखकर कामू शॉक हो जाता है और कहता है कि इन दोनों की पावर तो रेजोनेट कर रही है, इसका मतलब यही दोनों ट्विंस्टर एग्जोसिस्ट हैं। कामू अब काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वह उन दोनों के ऊपर कूद जाता है, ये कहते हैं कि मुझे और एंटरटेन करो। वहीं पर रोकर और बैनी भी तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद उनकी पावर अब काफी बढ़ जाती है, जिसके बाद वो काफी पावर से कामुई के ऊपर हमला कर देते हैं। कामुई भी उस अटैक को रोक नहीं पाता है और अब हम लोग देखते हैं कि वो अटैक जाकर कामुई से टकरा जाता है, जिसके वजह से अब वहाँ पर काफी बड़ा एक ब्लास्ट हो जाता है। और अब धुआं हटने के बाद रोकरो पूछते हैं कि क्या हमने कामुई को हरा दिया, लेकिन तभी कामुई वहाँ पर आ जाता है और अब हम लोग देखते हैं कि उसका एक पैर अब गायब हो चुका है। कामुई अब कहते हैं कि मैं केयरलेस हो गया था, मुझे पहले ही रियलाइज कर लेना चाहिए था कि तुम दोनों ही ट्विन स्टार एग्जोसिस्ट हो। वहीं कामुई को देखकर रोकरो शॉक हो जाता है और कहते हैं कि हमारे अटैक से भी तुम खत्म नहीं हुए और आखिरकार तुम्हें ट्विन स्टार के बारे में कैसे पता है। जिस पर कामुई कहते हैं कि ऑफ कोर्स मुझे पता होगा, क्योंकि किगारी और एग्जोसिस्ट की लड़ाई काफी हजार सालों से चलती आ रही है। तब रोकरो से पूछते हैं कि आखिरकार किगारीस को क्या चाहिए, जिस पर कामुई कहते हैं कि सारे एग्जोसिस्ट किगारी को खत्म करना चाहते हैं ना, तो सभी किगारीस का मकसद अपोजिट है, यानी कि हम लोग सारे एग्जोसिस्ट को खत्म करना चाहते हैं। और अगर मीको के पास सही में ये ताकत होगी जिससे कि सारे किगारीस खत्म हो सकते हैं, तो मुझे तुम दोनों को खत्म करना होगा, क्योंकि तुम दोनों ही तो मीको को जन्म दोगे। तभी कामुई कहते हैं कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन खत्म होगा, मुझे तो सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि मुझे कौन एंटरटेन करेगा। ऐसा बोलने के बाद अब कामुई वहां से जाने लगता है। वहीं पर रोकरो से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोकरो की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। तब कामुई उसे कहता है कि आज मुझे काफी ज्यादा मजा आया और अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग काफी स्ट्रांग हो जाओ, कि मैं तुम पर अपनी आधी ताकत यूज कर सकूं। अगर तुमसे वो नहीं होगा तो तुम लोग सिर्फ मीको को जन्म दे देना और फिर मैं मीको से लड़ लूंगा। इस बात को याद रखना, तुम लोग मेरे दुश्मन हो तो दूसरे दुश्मनों से तुम मर मत जाना, तुम लोगों को सिर्फ मुझसे लड़ना है। ऐसा बोलने के बाद अब कामुई वहां से चला जाता है। वहीं पर रोकरो बैनी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन दोनों की एनर्जी पूरी खत्म हो जाती है और वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। तभी हमें पता लगता है कि इन सब चीजों को तो आरिमा एक चट्टान के ऊपर बैठकर देख रहा था और अब वो एक स्माइल करता है, जिसके बाद वो रोकरो और बैनी की तारीफ करता है, ये कहकर कि तुमने काफी अच्छा काम किया। और अब अगले सीन में हमें वापस से बैनी की मेमोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर बैनी अपने पेरेंट्स से कहती है कि क्या आप लोग को किगारी से लड़ने में डर नहीं लगता, जिस पर वो लोग कहते हैं कि हम लोग को डर लगता है, लेकिन हम लोग को फिर भी लड़ना पड़ता है जिससे कि हम लोग तुम्हारे लिए एक अच्छा फ्यूचर बना सके, जिससे कि तुम इंजॉय कर सको और तुम्हें मांगनों में आने के लिए लड़ना ना पड़े किगारी से। हम तुम्हारे लिए पहले से सारे किगारी को खत्म कर देंगे, ये तुम्हारे पेरेंट्स की ड्यूटी है और डरना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एक बात जरूर याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। यह सुनकर बैनी काफी खुश हो जाती है। तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसे पता लगता है कि यह सब तो एक सपना था। बैनी अब जैसे अपनी साइड में देखती है तो उसे रोकरो दिखाई देता है, जो कि इसके साइड में सो रहा होता है। उसे देखकर बैनी काफी शर्मा जाती है और जल्दी से उठ जाती है। और तभी वो नोटिस करती है कि वो लोग तो अपने वापिस से घर में आ गए और वो भी उसी रूम में। बैनी को अब रियलाइज हो जाता है कि यह सब आरिमा ने किया होगा। इस बात पर वो काफी गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद अब बैनी सोच में पड़ जाती है। वो कहती है, मुझे समझ आ गया है कि मैं अकेले कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मुझे और ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी और ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा, जिससे कि अगली बार में उस कामुई को काफी आराम से हरा दूं। बैनी अब रोकरो का शुक्रिया करती है उसको इतनी ज्यादा हिम्मत देने के लिए। तभी बैनी को आरिमा की वो वाली बात याद आती है, जहाँ पर रोकरो और बैनी को एक दूसरे से शादी करके मीको को जन्म देना है। वो बात याद करके बैनी शर्मा जाती है और कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा। तभी अचानक हम लोग देखते हैं रोकरो नींद में बैनी का नाम लेने लगता है। ये सुनकर बैनी और शर्मा जाती है और सोचने लगती है कि कहीं रोकरो उसके बारे में तो सपने में नहीं सोच रहा है। वहीं पर अब रोकरो नींद में और ज्यादा अजीब अजीब बातें करने लगता है बैनी से रिलेटेड, जिसे अब सुनकर बैनी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वहीं पर अब जैसे ही रोकरो की नींद खुलती है, वहीं पर अब बैनी उसके मुंह पर काफी जोर से तकिया मार देती है। वहीं पर रोकरो बैनी से पूछने लगता है कि उसकी गलती क्या है, लेकिन बैनी उसे नहीं बताती है और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।